सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचेगा। देश विदेश से यहां लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार की ओर से पीएम से आग्रह किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचेगा। देश विदेश से यहां लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार की ओर से पीएम से आग्रह किया गया है। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रदेश में संभव नहीं है। धर्मशाला उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से किशन कपूर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और जल्द ही यहां पर उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत लोगों ने दिलाई है, वैसे ही जीत उपचुनावों में भी लोग भाजपा को दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन एवं पार्टी हाईकमान से विचार विमर्श के बाद भाजपा प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। अपनी परिस्थितियों में वोट करने की स्थिति में हो पाएंगे वही हम करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पंजाब में कर दिया हम करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर विचार करेंगे। आचार संहिता जैसे ही लागू होती है, क्योंकि तीन प्रदेशों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हरियाणा है, के साथ साथ में झारखंड है और उसके साथ महाराष्ट्र है, और संभावना लग रही है कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। संभावना यही लग रही है कि उनके चुनाव के साथ हिमाचल के भी दो चुनाव होंगे। सर, आगामी 6 सालों में जीडीपी का रेट 5% का न्यूनतम आंकड़ा टच कर गया है सर, ऐसे में जो भारत की अर्थव्यवस्था उसको देखते हुए हिमाचल में जो इन्वेस्टर मीट होना है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट थोड़ी देर तक आता तो है, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी है। मोदी जी इन सारी चीज़ों को संभालने में सक्षम है। आने वाले समय में जो इन्वेस्टर आ रहा है वो एक चीज़ देख रहा है, जीडीपी का विषय एक है, लेकिन स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेबल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मोदी जी के रूप में है, ये बहुत बड़ी उम्मीद जो है पूरी दुनिया को, पूरे देश को है। और ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि ये सब ठीक होगा। सर, क्या प्रतिनिधि हो सकती है? पार्टी का कार्यकर्ता होगा, कोई भी होगा, जो भी होगा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। आया ये विषय, उस बात को लेकर के हम थोड़ा जानकारी देंगे और जो उचित करने का होगा करेंगे। मुझे लगता है कि उनकी बातों को अब लोगों ने यकीन करना कई लोगों ने सुनना छोड़ दिया, यकीन करना तो सब पूरे देश ने छोड़ दिया। वो कह रहे हैं, लोग ना सुनने को तैयार हैं, सुनने के साथ मानने को तो बिल्कुल ही तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा उनका सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए। हम नियम और कानून के मुताबिक जो चीज़ है उसका ही हमने निमंत्रण दिया है। संभावना देखिए, मैं उस बारे में ज़्यादा कहने नहीं चाहता हूँ कि इस विषय को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया के बीच में जो है बहुत उछाल दिया गया है। वास्तव में स्थिति इससे बहुत अलग तरह है। जो विधायक चुनकर के आते हैं, स्वाभाविक रूप से आज की तारीख में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रात है चाहे दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आकांक्षा, लोगों की अपेक्षा ये होती है कि हम जब विधायक को बोलें और उसके मुताबिक वो काम करें। रात को फ़ोन करें तो रात को सुने, हम बोलें कि मरीज़ है तो मरीज़ के लिए वो व्यवस्था करें, किसी नौकरी की बात आती है तो नौकरी में सहयोग करें, हर तरह से कोई विकास का कार्य है उसमें वो मदद करें। ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी उम्मीद होती है। ऐसे में विधायकों को कुछ सुविधाएं जो उपलब्ध कराई गई है, हमने अब की बार ना सैलरी बढ़ाई है, ना हमने जो है पेंशन बढ़ाई है, ना हमने कोई ऐसी चीज़ की है जो वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर के जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में जो 2.5 लाख की लिमिट थी उसको 4 लाख तक कर दिया गया। इसका अभिप्राय ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि 4 लाख विधायक के खाते में चला गया। पैसा विधायक को वही मिलेगा जो खर्च होगा, और उसमें टिकट पहले अपनी जेब से लेना पड़ता है, वो टिकट लेने के बाद फिर उसको जो है वो अकाउंट ब्रांच में जमा करना पड़ता है, फिर उसका ऑडिट होता है, और ऑडिट से क्लियर होने के बाद ही पेमेंट अकाउंट में जाती है जितने की ट्रैवलिंग उसने की। और देखा गया है 90% विधायक जो है उस सुविधा का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। हम कई बार जाते हैं तो हम भी कई बार नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये बहुत गलत धारणा है कि बहुत ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जब एक साल फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जो पैसा विधायक ने
जो टीए के लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए जो लिया होता है, जिसके उसने जो है वो रिइंबर्समेंट के लिए पूरा प्रोसेस किया होता है, वही पैसा उसको मिलता है। बाकी का पैसा वापस सरकार के खाते में चला जाता है, लैप्स होता है। इसलिए गलत सारी चीज़ों को लेकर के जिस रूप में प्रस्तुत किया, सर एक में मैं आपको कह रहा हूँ कि अब जल्दी ठीक करेंगे इन सारी चीज़ें। सर वो तो हमारे विधायक और वो कुछ अधिकारी वहाँ पर सिक्किम गए थे, उसकी बात कर रहे हैं। सिक्किम गए थे तो वहाँ पर वो राय उन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें से कुछ चीज़ें जो अच्छे जो डूएबल चीज़ें हैं, जो करने की चीज़ें हैं, वो हमारे पास आई है, उनको हम यहाँ एग्जामिन कर रहे हैं। उसको करेंगे कि हमने टारगेट तो रखा है, बड़ा टारगेट रखा है, लेकिन जो टारगेट होता है उसमें हमको इतना करीब पहुँचते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हमें तो 80,000 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जो भी होगा वो बेहतर ही होगा, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ तो आएगा हिमाचल के विकास के लिए, उसको हमको अभिनंदन करना है।